केंद्र सरकार ने तमाम कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के उनके खाते में भेजकर जो बचत की है वो लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। 31 दिसंबर 2018 तक की जानकारी के मुताबिक सरकार ने कहा है कि उसे इतने 1 लाख करोड़ रुपए की बचत लगभग 8 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को रिकॉर्ड से हटाए जाने की वजह से हुई है। ताजा डाटा उस समय आया है जब सरकार किसानों को सब्सिडी का लाभ देने और मुमकिन तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम फ्रेमवर्क के लिए डीबीटी का रास्ता अपनाने के बारे में सोच रही है। 31 दिसंबर 2018 तक सरकार को डीबीटी के जरिए 1,09,983 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, जो 31 मार्च 2018 को 9,000 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को डीबीटी के जरिए एक साल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई थी। अब तक डीबीटी के जरिए कुल 6,05,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 22 जनवरी को हुए 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराई गई रकम के बारे में जितना कहा था, ताजा डाटा उससे कहीं ज्यादा है। मोदी ने कहा था कि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 5,80,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं और जनता के पैसे की लूट रोकने के लिए 7 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटाया गया है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 8 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटाया गया है। सरकारी रिकॉर्ड से जिन लोगों को हटाया गया है उनकी संख्या ब्रिटेन, फ्रांस या इटली की आबादी के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।